पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पर एक बार नजर डाल लेते हैं। नतीजे आए थे कंपनी के और काफी अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही फ्रंट पर काफी अच्छी ग्रोथ आई है और जो एसेट क्वालिटी है कंपनी की वो भी अपने कंफर्टेबल सिचुएशन पर भी थी। नतीजे के बाद देखिए आज हरे निशान में कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। करीब 1% के आसपास की मजबूती इस वक्त पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में देखने को मिल रही है। नतीजे पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंक के कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं, संजय गुप्ता पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ। संजय जी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हर फ्रंट पर जो है वो नतीजे इस बार काफी अच्छे देखने को मिले हैं, किस तरह का कंट्रीब्यूशन आया है इस बार हाउसिंग और नॉन हाउसिंग लोन दोनों ही सेगमेंट से? हाउसिंग एंड नॉन हाउसिंग पोर्टफोलियो की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हमारा जो होलसेल बुक है या जिसे डेवलपर फंडिंग कहते हैं उसमें तो हमारा जीरो एनपीए रहा है, तो हमारे को इतनी कोई चिंता नहीं है बिटवीन होम लोन एंड नॉन होम लोन पोर्टफोलियो। और ये हमने जो अपना अंडरराइटिंग की हमारी शॉप्स हैं पिछले 5-6 साल में कामयाब करी है तो वो वैसे ही रहेगा जी। तो काफी अच्छे नंबर्स, अंडरराइटिंग के जो प्रोसीजर है कंपनी का वो काफी स्ट्रांग है, इस वजह से हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से एसेट क्वालिटी के नंबर्स जो हैं उस फ्रंट पर काफी अच्छे नंबर्स कंपनी के आ रहे हैं। नतीजों का से अगर हटकर बात करें तो रिसेंटली अभी सेबी ने जो डेट म्यूचुअल फंड का एडिशनल एक्सपोजर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में वो बढ़ा दिया है, 10% था पहले उसको बढ़ाकर अब 15% कर दिया है। ऐसे में इस तरह के निर्णय से आपकी कंपनी को किस तरह से फायदा होगा और कॉस्ट ऑफ फंड पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? म्यूचुअल फंड अब एक लार्जर प्लेयर हो गए हैं हम लोग को फंड करने के लिए और हमारे लिए कोई ये नई चीज नहीं है। म्यूचुअल फंड हमने काफी अरसे से पैसा दे रहे हैं और देते रहेंगे, इससे कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा सा नॉर्मलाइज जरूर होएगा। ओके सर, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्पेस है उसको लेकर बैंक्स और एनबीएफसी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए और रिसेंटली एसबीआई ने भी अपने होम लोन की जो दरें हैं वहां पर कटौती की है। आगे चल के अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट है उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और क्या आने वाले समय में हम आपकी तरफ से भी कुछ रेट कट देखने को मिल सकते हैं? देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं लोन्स बिलो 25 लाख, 25 लाख से कम लोन, तो वो हम लोग 20 से 21% हर एक मंथ करते हैं और ये हमारा फोकस एरिया बिल्कुल रहेगा। और स्पेशली क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भर रहा है तो वहाँ पे ये वाले लोन ज़्यादा कामयाब होते हैं। बड़े शहरों में घर महंगे होते हैं तो इतना छोटा लोन लेने वाले कम लोग होते हैं, तो इसके ऊपर हमारा फोकस बना रहेगा। अभी मैं कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसे जैसे अगर हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो बिल्कुल हमारे कस्टमर्स को ग्राहकों को उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर संजय गुप्ता अपने नतीजों पर डिटेल से हमें बात करने के लिए। यहाँ हम लेते छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।